हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आपको बता दूं कि काफी सारे लोगों का एग्जाम जो है 5 दिसंबर को पहली शिफ्ट में है। अब यहां पर लोगों के मन में एक सवाल है कि मेरा एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में है या फिर सेकंड शिफ्ट में है तो फायदा किसको मिल जाता है, या फिर जिसका लास्ट डे एग्जाम होता है दैट मीन्स की 12 दिसंबर को, तो उनको तो पूरा पेपर पता चल जाता है। ऐसे डाउट आपके उनमें जरूर आ रहे होंगे, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें जरूर बताना चाहूंगा। और पहले मैं आपको एक चीजें बता दूं कि आप इस प्रेशर से किस तरीके से अपने आप को बाहर निकालेंगे और पेपर में एक अच्छी परफॉर्मेंस देना, ये दोस्तों आपको आना भी चाहिए। और मैं आपको इन सारी चीजों में आपकी हेल्प करने वाला हूं, तो ये सेशन आप पूरा लास्ट तक देखें। अगर आपका फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो आपके पास बहुत सारे अच्छे ऑप्शन होंगे, या फिर ऐसे लोग जिनका बाद में एग्जाम है तो वो लोग ये टेंशन मत लें कि जिसका पहले पेपर हो जाएगा तो वो बहुत अच्छे नंबर ले आएगा या फिर बाद वाले का पेपर टफ हो जाता है। उन सारी चीजों के ऊपर हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का एक मॉक टेस्ट अवेलेबल है जो कि प्रैक्टिस मॉक का है, और ये दोस्तों कंप्लीटली फ्री है। ओके, इसके लिए कोई पे आउट की जरूरत नहीं है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें, और अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है तो अपना स्कोर जरूर नीचे शेयर करें ताकि और लोग भी आपके स्कोर को देख सकें। अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 दिन एग्जाम है आपका, 5 को एग्जाम है और 12 को एग्जाम है। ठीक है, काफी लोगों ने कहा कि 13 तारीख को कोई भी एग्जाम नहीं होगा। अगर आपका कोई ऐसा एडमिट कार्ड आया हुआ है तो आप नीचे जरूर कमेंट करना। लेकिन मेरा बनाने का मतलब यहां पर यह है पॉइंट कि 2 दिन एग्जाम है, इसका मतलब अगर 4 शिफ्ट एक दिन में हो रही है तो लगभग 8 शिफ्ट में पेपर दोस्तों आपका होगा। ठीक है, अब आप ध्यान से समझना कि shift 1, shift 2, shift 3 धीरे धीरे जाकर shift 8 हो जाएंगी। तो आपको क्या लग रहा है कि टॉपिक प्रीलिम्स में पूछने वाले बहुत सारे होते हैं, तो कुछ टॉपिक आपके shift 1 में पूछे जाएंगे, कुछ टॉपिक shift 2 में होंगे, कुछ आपके shift 3 में होंगे। ठीक है, एज इट इज एक जैसा पैटर्न बहुत रेयर रहता है। अगर मैं आपको बता दूं कि क्वांट में आप देख लो कि एक DI आ गई, फिर आपका नंबर सीरीज आ गया, क्वाड्रिक्यूलेशन आ गया, और फिर आपके अरिथमेटिक आ गए, तो ये आपके दोनों दिन हर शिफ्ट में ऐसा पैटर्न बहुत रेयरली रहता है। कभी यहाँ पर डेटा सफिशिएंसी डाल दिया जाएगा, कभी क्वांटिटी को कंपेरिजन करने वाला Q1 Q2 डाल दिया जाएगा, तो ये जो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है पेपर में, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना कि जो आपकी अलग अलग शिफ्ट होती हैं उसमें कई ऐसे टॉपिक होंगे, कई ऐसी चीजें होंगी जो आपकी अलग अलग शिफ्ट में पूछी जाएंगी, और उनसे थोड़ा सा पेपर आपका प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से एस्पिरेंट क्या कहते हैं कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आया हुआ है या पेपर मेरा इजी आया हुआ है। तो देखो, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि इन जैसे केस में क्या होता है कि जब अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है तो आपके एडमिट जो आपने नोटिफिकेशन देखा होगा आईबीपीएस क्लरिकल का, उस नोटिफिकेशन में भी स्कोर्स में कहा गया है द करेक्टेड स्कोर्स ऑब्टेंड बाय ईच ऑफ द कैंडिडेट इन डिफरेंट सेशंस If held will be normalized using equipercentile method। ठीक है, अब यहाँ पर तो shift 1 से लेकर shift 8 होंगी, तो obviously अलग अलग तरीके से जो score आएगा उनको equipercentile method से normalize कर दिया जाएगा, और उसी मामले में आपको अपने अपने score देखने को मिलेंगे। तो ये आप जो सोच रहे हो कि मैं पहले पेपर देकर आ रहा हूँ तो मेरा अगर टफ आएगा मेरा इजी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट लाइक अ मिथ है। लेकिन हाँ, ये जरूर चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखो, आप सबसे पहले समझो क्वांट का एक आइडियल पेपर का जो सीन है वो कैसा होता है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एक डेटा इंटरप्रिटेशन 5 मार्क्स का आपका आ गया, मैंने यहाँ पर नंबर सीरीज का एक सेट रखा 5 मार्क्स का, ये आपका हो गया सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। हो सकता है कि 10 सिंप्लीफिकेशन आ जाए या फिर 10 अप्रोक्सीमेशन कहीं पर आ जाए, या फिर 5 सिंप्लीफिकेशन 5 अप्रोक्सीमेशन, मतलब ये आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, क्लेरिकल के प्री में। फिर आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी 5 नंबर की हो जाती हैं, जो कि आपकी इस तरीके की होती है x² + bx + c = 0, इस फॉर्मेट में आपकी बनती है, दो रूट को कंपेयर करना होता है। इसके बाद आप देखो जो क्वांट के अदर क्वेश्चंस होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स लाइक टाइम स्पीड डिस्टेंस रेशियो एजेस परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एवरेज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, टाइम एंड वर्क मेंसुरेशन एटसेट्रा, ये आपके कुल मिला के 10 रहते हैं। अब इसके अलावा जो पेपर में चेंज होता है, पेपर की अलग अलग शिफ्ट में चीजें देखने को मिलती हैं। कभी क्या करता है कि आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछ लेगा डेटा सफिशिएंसी। कभी क्या करेगा कि नंबर सीरीज को भी मिस कर देता है, इसकी जगह आपका ये वाला डाल देगा टू वे नंबर सीरीज, वो क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैं आपको एक सैंपल बता रहा हूँ, ठीक है, नंबर्स पर मत जाना, केवल आप ये देखो कैसा क्वेश्चन रहता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 13 लिखा है, 52 लिखा है, 82 लिखा है, 97 लिखा है, ठीक है, और यहां पर लिखा है 115, ये आपको एक सीरीज दी गई है। इसी के साथ में
दूसरी सीरीज इस तरीके से रन कर दी जाएगी, एट हो गया, ठीक है, यहां पर लिख दिया बी, फिर यहां पर लिख दिया 73, फिर यहां पर लिख दिया 85, फिर यहां पर लिख दिया 99, ठीक है। तो इसका मतलब इस बी को फाइंड आउट आपको करना है। देखो ये टू वे सीरीज में क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि पहली सीरीज का जो पैटर्न बनता है सेम, जो 13 से स्टार्ट होगा अगला नंबर बनता जाएगा, तो जो नंबर आपका 8 से स्टार्ट होगा सेम पैटर्न पर ये भी बनता जाएगा, तो आपको बी कभी निकालने को देगा, कभी कभी ये वाला नंबर ई निकालने को दे जाएगा, तो इसमें डबल मेहनत हो जाती है। एक तो पहली सीरीज को समझना, उसके बाद इसको समझना, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर कर जाएं। देखो हर एक वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो के लिए जब तक अपने आप को तैयार नहीं करोगे, कंफर्ट जोन में हमेशा रखोगे कि यार प्री आसान है, क्वालिफाई कर लूंगा, तो मुझे लग रहा है कभी कभी बहुत धुरंधर लोग होते हैं ना, उनका प्री भी क्वालिफाई नहीं होता, और ये चीज प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए कभी भी किसी चीज को हल्के में मत लो, ये एक एग्जाम जस्ट लाइक फॉर योर लाइफ का एक बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है। इससे आपका दोस्तों सिलेक्शन डिसाइड होगा पूरे साल में, जो भी वैकेंसीज हैं, कंपटीशन टफ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उनमें आपको अपने आप को अगर सर्वाइव करना है तो तैयारी भी धुआंधार करनी पड़ेगी। फिर मैंने आपको बताया कि DI मिक्स ग्राफ का भी आ सकता है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि मेरे में एक टेबल आई थी और साथ में एक फिगर और बना हुआ था पाई चार्ट का, अब इनसे आपको डेटा निकालना था, और एक ऐसा बंदा जो शिफ्ट वन में पेपर देकर आया उसके 5 क्वेश्चन टेबल से थे, आसान थे, तो ऐसी चीजें अलग अलग शिफ्ट में होंगी और इनको टैकल करने के लिए आपको अभी अपनी प्रैक्टिस जो है बढ़ानी होगी। जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है लगातार हर दिन 1-2 मॉक दो, और इसके बाद दोस्तों इनको सबमिट करके एनालाइज करो, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से करो। मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि अगर आप प्रैक्टिस मॉक का फ्री मॉक बनाओगे तो आपको काफी आइडिया लगेगा, और अगर आप अदर मॉक टेस्ट भी बनाओगे इनके ही क्लेरिकल के, तो आपको पता लगेगा कि हाँ लेवल थोड़ा सा ठीक है और हम अच्छे क्वेश्चंस को बना रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर दूसरी चीज आ जाती है रीजनिंग में भी। देखो रीजनिंग में भी सेम है कि आपके लगभग 15 से 18-20 नंबर के आपके पजल्स होते ही हैं, बाकी इसके अलावा जो 15 क्वेश्चन आपके होते हैं वो मिसलेनियस रहते हैं, जैसे कि सेलोगिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, अल्फा न्यूमेरिक हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। कभी कभी क्या होता है कि सेलोगिज्म नहीं पूछा जाएगा तो आपसे दोस्तों वो इनइक्वालिटी पूछ लेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि इनइक्वालिटी आपके शिफ्ट में नहीं आएगा, सेलोगिज्म भी नहीं आएगा, आपको डेटा सफिशेंटली डाल देंगे, या फिर वो कंपेरिजन वाले कुछ क्वेश्चन डाल देंगे ताकि आपको थोड़ा सा हट कर देंगे कुछ, ठीक है। हालांकि आसान सब कुछ होता है, पेपर को सोचोगे समझोगे देखकर बनाओगे तो पेपर को क्रैक कर जाओगे इजिली, ठीक है। तो ये मैं जो है आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम है तो इसमें से चांसेस हैं। ये सारे टॉपिक रिवाइज करो, कवर करो, और हर एक टॉपिक के पजल इवन हमने अपने चैनल पर डिस्कस किए हैं, तो जाओ बिंदास प्लेलिस्ट में जाओ, चाहे वो SBI क्लर्क की पजल हो, चाहे वो IBPS क्लर्क PO किसी की पजल हो, आप उसको बनाओ, आपका माइंड ओपन होगा ब्रॉड सेंस में, ठीक है, इसलिए मैं चीज बोला हूं। और हाँ पजल के ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आप सिंपल सर्च करना मंथ बेस पजल बाय करंट अफेयर्स फंडा, ठीक है, पूरा लिखना करंट, यहां पर आप पूरा लिखना अफेयर्स और यहां पर लिखना फंडा, कोई भी पजल आपको सर्च करनी हो, ईयर बेस पजल बाय करंट अफेयर्स फंडा, बॉक्स पजल बाय करंट अफेयर्स फंडा, रो नॉर्थ साउथ फेसिंग बाय करंट अफेयर्स फंडा, आपको हर एक पजल मिल जाएगी अगर आप इस टाइटल से लिखोगे जो जो हमने अपलोड किया। लगभग 1500 के आसपास में दोस्तों हमने पजल्स अपलोड किए हैं, तो क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा है और हर एक मॉक टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए, तो पढ़ने को बहुत मटेरियल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से स्मार्ट वे में चीजें सर्च कर रहे हो। अब यहां पर आ जाओ इंग्लिश वाले में। देखो यार इंग्लिश का कभी कभी नपातुला पैटर्न आता है, कभी कभी केवल 3 क्वेश्चन आपसे पूछता है। एक बार ऐसा हो चुका है कि एक आपसे 10 नंबर का RC पूछ लिया उन्होंने, एक आपसे पूछ लिया कि एरर्स वाला पोर्शन 10 नंबर का, ठीक है 10 नंबर का आपसे एरर पूछ लिया, और एक बार क्या पूछ लिया था कि 10 नंबर का क्लॉज टेस्ट था, ठीक है, या फिर 10 नंबर का पैराजम्बल, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तो इन चीजों के लिए आप तैयार रहना। वैसे जो आपका एक आइडियल पेपर है कि RC तो 10 नंबर में आएगा ही आएगा, ठीक है, एरर हो गया या फिर मिसिंग स्पेल्ड हो गया 5 नंबर में, सिंगल फिलर हो गया, डबल फिलर भी पूछ सकता है, सेंटेंस को रीअरेंज करना 5 नंबर में, क्लॉज टेस्ट 5 नंबर में, तो ये सारी चीजें दोस्तों आपकी पेपर में आती हैं, ओके। अब मैं आपको इंग्लिश के लिए केवल एक सजेशन देना चाहूंगा कि आपके पास आपके खुद के लिए 20 मिनट का टाइम बचा हुआ है, और दोस्तों आप एक बैलेंस अटेम्प्ट की ओर अपना मूवमेंट बढ़ाएं। बैलेंस अटेम्प्ट का मतलब क्या है कि 20 मिनट में मैक्सिमम टाइम किस पर दें, रीडिंग पर दें। जितना ज्यादा रीडिंग करोगे उतने ही आप 100% एक्यूरेसी के साथ आप पेपर को बना पाओगे। आप ये वाला जो फंडा है ना, आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हुए बनाओ, ठीक है,
मॉक टेस्ट को जब सॉल्व करो और आरसी में क्या करना कि लेफ्ट साइड के पहले पैसेज को एक बार गो थ्रू कर लो, आरसी को एक बार गो थ्रू कर लो जल्दी जल्दी से, ठीक है, 3 मिनट में गो थ्रू कर लो। इसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो, फिर आपको अपने आप लिंक मिल जाएगा कि यार ये वाली जो लाइन है ये कहाँ पर आ रही है, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप एक बार क्वेश्चन देख लो फिर आप पैसेज पढ़ना स्टार्ट करो, आपको लग जाएगा कि यार इसका क्वेश्चन तो कहीं पर पूछा गया, फटाफट जाकर वहां पर मार्क करते जाओगे। ये फंडा आप अप्लाई करो, आपको जो अच्छा लग रहा हो आप उससे क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा मतलब एक सीन बता दिया कि पेपर में क्या कैसा हो सकता है, और जिन भाई बंधुओं का पेपर पहले शिफ्ट में है वो लोग बिल्कुल निराश मत हो, वो ये जानकर जाएं कि पेपर में वहां पर मुझे बहुत ध्यानपूर्वक बनाना है। एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूं कि अगर दोस्तों पेपर इजी आया है तो वो हर एक के लिए पेपर इजी है और हर बंदा अच्छे अटेम्प्ट वहां पर बनाएगा। मैं एक सैंपल दे रहा हूं, 80 के आसपास में लोग बना सकते हैं पेपर अगर काफ़ी आसान आ रहा है, 80, 82, 85, ठीक है, और इसी वजह से कट ऑफ जो है वो भी ऊपर जाती है। लेकिन दोस्तों अगर पेपर मॉडरेट टू टफ आ रहा है तो उस केस में क्या होगा कि अटेम्प्ट सभी के कम होते हैं, तो आप जल्दबाजी करके ऐसा ना हो कि आप तुक्के या गैस मारकर वहाँ पर अपना कोटा पूरा कर रहे हो कि यार मुझे 68 बनाने हैं, मुझे 78 बनाने हैं या फिर मुझे 85 बनाने हैं। घर से सोच कर मत जाना पेपर देने की भाई आज मैं 80 कर आऊँगा, 90 कर आऊँगा। ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगा कि पेपर का मोड कैसा है, ठीक है, पेपर आसान आया हुआ है वेरी इजी है या फिर पेपर थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड है, ठीक है। तो वहीं पर हम रैंडम अपने आप डिसाइड करेंगे। देखो पेपर एक रिदम होती है, जैसे हम साइकिल चलाते हैं ना, तो साइकिल एक तरीके से चलती जाती है और हम अपनी मंजिल तक डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो पेपर भी उसी फॉर्मेट में आप करना सॉल्व स्टार्ट करो, अपने आप बनता हुआ चला जाएगा, ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तब, ठीक है। अगर पेपर इजी है तो अटेम्प्ट भी फटाफट होंगे, अगर रास्ता बहुत आसान है तो साइकिल बहुत स्मूथली आराम से आपके डेस्टिनेशन तक चली जाएगी, लेकिन अगर उबल खाबल रास्ता है तो वो उसी तरीके से धीरे धीरे रुक कर आराम से पहुंचेगी मंजिल तक। तो पेपर भी इसी तरीके से चल रहा है, पेपर कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है, पेपर भी एक रास्ता है जिसमें आपको उसको पार करना है, और आपने अगर ईमानदारी से अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो मुझे लग रहा है कि आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ओके। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने माइंड को बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव पॉजिटिव वे में रखें, कीप काम, और पेपर को बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ दोस्तों अटेम्प्ट करें, ठीक है। और आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, गुड लक, आपका पेपर बहुत बिंदास हो, जितना भी टाइम बचा है इन्जॉय मत करो और उस पेपर की प्रिपरेशन में लग जाओ, जो भी 15-20 दिन 8 दिन 20 दिन जो भी बचे हुए हैं आपके पास में अच्छा तैयारी करो, इस बार सिलेक्शन ले लो 2020 में, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसीज ऑब्वियसली बढ़ेंगी, मैं आपको बता दूं कितनी बढ़ेंगी ये किसी के पास कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ ये श्योर है कि आपकी वैकेंसीज बढ़ेंगी और जब आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा आपका भी वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। और जो लोग कम वैकेंसी सोचकर निराश हो रहे हैं कि यार मतलब अब कुछ नहीं हो पाएगा, वैकेंसी बहुत कम है, तैयारी नहीं करूँगा, हल्का पड़ जाऊँगा, तो वो दोस्तों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और आपके पास एक अच्छा मौका है, अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा हल्का पड़ा बैठा है तो आप अपनी तैयारी को और बूस्ट करो और आप उसकी पोजिशन ईजिली ग्रैप कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको जगा रहा हूँ, ठीक है, जगाना मेरा कर्तव्य है। अगर आप जागोगे तो आप पेपर में अच्छा परफॉर्म करोगे और आपका सिलेक्शन भी होगा, ठीक है। तो देखो इन्हीं बातों के साथ हम अपने सेशन को एंड करते हैं और आगे फिर मिलेंगे। मुझे लग रहा है कि कुछ बीच बीच में मोटिवेशन की क्लासेस बहुत जरूरी हैं जो आपको देनी भी चाहिए। और दोस्तों आप लोग एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि हमारी फैमिली का हिस्सा बनो और आगे और भी जो अपडेट है वो आपके पास पहुंचे। तो इस वीडियो को लाइक भी करना है और अपने अलग अलग व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में इसको शेयर भी करना है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।